नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं वेदर एनालिजर यूट्यूब चैनल, जो कि भारत का एकमात्र अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी में बने हुए निम्न दबाव के क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे और अपडेट देंगे, तो कृपया इस वीडियो के साथ जुड़े रहे और अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के चलते एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है, जिसे हमने मॉनसूनल लो 05 का आइडेंटिफायर दिया है और अनऑफिशियली ईंधन नामांकित किया गया है। यह सिस्टम अगले 18 से 24 घंटों के भीतर और सुस्पष्ट हो सकती है और ओडिशा तट को पार करते हुए अगले 3 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के तरफ आगे बढ़ेगा। अगर बात करें इसके ट्रेजेक्टरी के बारे में, तो यह ओडिशा तट को पार करते हुए लगभग पश्चिम की ओर यात्रा करने की सबसे अधिक संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र से होते हुए इस प्रणाली के गुजरात तक पहुंचने की भी संभावना है। उसके बाद गुजरात के तट से गुजरते हुए यह अरब सागर में भी उभर सकती है। देश के सेंट्रल पार्ट्स से गुजरते हुए यह सिस्टम उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र में भारी मात्रा में बारिश करवा सकता है। कुल मिलाकर इस सिस्टम से पूरे क्षेत्र में अच्छी मानसून वर्षा होने की उम्मीद है। यथा छोटा सा अपडेट इस निम्न दबाव के क्षेत्र के ऊपर। आगे और अपडेट्स आते हैं तो आपको तुरंत नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके पास लगा घंटा आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी के लिए अलविदा और आपका दिन शुभ हो।